ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई हर एक जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें कार्स बाइक्स लाइव चैनल को। तो दोस्तों, आज बजाज अपने नई बाइक पल्सर 250 को लॉन्च कर दिया है। और बजाज का ये कहना है कि इस बाइक में आपको न्यू इंजन मिलने वाला है, न्यू सस्पेंशन आपको मिलेगा, और ये जो बाइक है ये न्यू प्लेटफॉर्म में बनाई गई है। तो सब कुछ आपको ऑल न्यू देखने को मिलेगी बजाज पल्सर 250 में। तो हर एक चीज के बारे में बात करेंगे, इसके फीचर्स में क्या क्या अपग्रेडेशन आई है, गाड़ी का प्राइस कितना क्या है, सब कुछ कवर अप करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, ये मोटरसाइकिल आपको दो वेरिएंट में आपको मिलने वाली है, एन टाइप एंड एफ टाइप, यानी कि N250 एंड F250। एन टाइप की जो बाइक है वो एक नेकेड टाइप की बाइक होने वाली है, और F250 की जो बाइक है थोड़ी सी आपको मस्कुलर लगने वाली है देखने में। तो बजाज का ये भी कहना है कि 250 सीसी में पल्सर की सबसे बड़ी यानी बिगेस्ट बाइक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको फ्रंट में प्रोजेक्टर टाइप आपको एलईडी की हेडलाइट आपको देखने को मिलेगी विद एलईडी DRL। पीछे में आपको एलईडी के टेल लाइट्स आपको देखने को मिल जाती है, जो कि आपको थोड़ी बहुत डोमिनार की तरह लगेगी। बाकी साइड से देखेंगे तो आपको यहाँ पे इसका जो टैंक एक्सटेंशन है, साइड एक्सटेंशन जो है वो भी जो है डिफरेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका पल्सर 200 एंड 200 NS में देखते हैं, उससे थोड़ी सी जो है अलग है, बाकी इतना कुछ ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। नेकेड बाइक में देखेंगे तो थोड़ा सा छोटा आपको एक्सटेंशन मिलता है, लेकिन जब आप इसके एफ टाइप देखेंगे F250 वाली, उसमें आपको थोड़ा सा बोल्ड जो है आपको लगने वाली इसका साइड एक्सटेंशन। तो दोस्तों, ये थी इसके साइड प्रोफाइल। अभी बात करते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में। तो इसमें आपको क्या नया है, क्या नया इंजन आपको यहाँ पे मिलता है, पावर कितनी मिलती है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इस बाइक में आपको 249 cc की आपको इंजन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, जो कि 24.5 PS पावरफुल है, और 21.5 Nm का जो ये टॉर्क प्रोड्यूस करती है। अगर इसको कंपेयर करते हैं 220 से, तो उससे थोड़ी सी ज्यादा आपको यहाँ पे पावर देखने को मिलेगी। अगर इसको कंपेयर करते हैं 200 NS से, तो टॉर्क के मामले में आपको यहाँ पे 250 में थोड़ी सी ज्यादा आपको यहाँ पे टॉर्क देखने को मिल जाएगी। तो ये है डिफरेंस। इस बाइक में आपको 5 गियर मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 6 स्पीड का ऑप्शन नहीं है इस बाइक में, 5 स्पीड आपको यहाँ पे ट्रांसमिशन देखने को मिलेगी, जो थोड़ी बहुत आपको डिसअपॉइंटेड हो सकती है इसके गियर को लेके, कि भाई इसमें 6 गियर देता तो काफी अच्छा होता 250 में, तो एटलीस्ट इतना तो देना ही चाहिए। तो अगर टायर देखें तो आपको यहाँ पे अलॉय व्हील आपको यहाँ पे ऑफर की जाती है। टायर का जो फ्रंट का जो सेक्शन है वो 100 के सेक्शन आपको यहाँ पे टायर मिल रहा है। रियर में आपको 130 के सेक्शन का आपको यहाँ पे टायर मिल जाता है। डिस्क की अगर मैं बात करूँ, फ्रंट में 300 है और रियर में आपको 230 mm का डिस्क आपको यहाँ पे ऑफर की जा रही है इस नई बाइक पल्सर 250 में। इस बाइक का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी वो है 14 लीटर का। अगर सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ फ्रंट के, तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक के सस्पेंशन आपको देखने को मिलेगी न्यू पल्सर 250 एफ एंड एन टाइप में। तो दोस्तों, ये बाइक आपको 2 कलर ऑप्शन के साथ मिलेगी, एक ग्रे कलर में, एक रेड कलर में। तो अभी बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो यहाँ पे क्या क्या आपको नया फीचर देखने को मिलेगा पल्सर 250 में, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इसका जो क्लस्टर है वो आपको सेमी डिजिटल में आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे फुली डिजिटल वाला क्लस्टर नहीं मिल रहा है। इसका RPM मीटर आपको एनालॉग में मिलता है, बाकी सारा कुछ आपको जो है डिजिटल में मिलेगा। जैसे कि फ्यूल गेज हो गया, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ट्रिप मीटर वगैरह आपको यहाँ पे डिजिटल में देखने को मिलेगी। एक USB चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे दी गई है, जिससे आप अपना मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। कोई भी कनेक्टेड फीचर आपको इस बाइक में नहीं मिलता है दोस्तों। ये भी एक निराशाजनक की बात हो सकती है कि 250 अभी की बाइक में कनेक्टेड फीचर कुछ भी नहीं है। तो अभी बात करते हैं इसके प्राइस की, एक्सोरूम प्राइस की। तो पल्सर 250 N का जो एक्सोरूम प्राइस है वो है 1.38 लाख, और F250 का 1.40 लाख का जो है इसका एक्सोरूम प्राइस है। तो बजाज का ये कहना है कि इस सेगमेंट में, यानी कि 250 के सेगमेंट में सबसे कम प्राइस वाली बाइक ये होने वाली है। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन जो फीचर्स, जो अपग्रेडेशन लोग सोच रहे थे कि इस बाइक में उनको मिलने वाली है, जैसे कि कनेक्टेड फीचर हो गया, वो सब चीज़ें जो है यहाँ पे आपको मिसिंग लगेगा। कुछ लोग जो है निराश हो सकते हैं इस चीज़ को लेके। बाकी इसका जो लुक है, इसका डिजाइन है, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।